हेलो एवरीवन, मैं शालू आप सभी का स्वागत करती हूँ आप सभी के अपने चैनल शालू लाइफ ब्लॉग में। सो फ्रेंड्स, अभी सुबह के बज रहे हैं 8:30 और मैंने सोचा कि मैं अपना ब्लॉग शुरू कर देती हूँ। आज हम चल रहे हैं मुंबई के बहुत ही फेमस मंदिर में, तो मैंने सोचा मैं अपना ब्लॉग जो है अभी से शुरू कर देती हूँ। नहीं तो बाद में क्या होता है ना कि अगर शुरू नहीं किया होता है ना, स्टार्ट नहीं किया होता है, तो फिर स्टार्ट करने का मन भी नहीं करता है, मतलब होता ही नहीं है फिर स्टार्ट करने का। तो मैंने सोचा मतलब बैक कैमरे से हमेशा वीडियो स्टार्ट करना, मतलब आप देख ही रहे होंगे कि मैं अक्सर करके इस टाइम कहीं जाना रहता है तो बैक कैमरे से ही स्टार्ट करती हूँ, तो इसीलिए बैक कैमरे से स्टार्ट करना फिर वॉइस डाल देना ये अच्छा नहीं लगा मुझे। तो मैंने सोचा मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। और अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं, हम जो है रेडी हो गए हैं, आप सभी देख सकते हैं मैं रेडी भी हो गई हूँ, मैं आपको बैक कैमरे से दिखा दूंगी। और हम रेडी हो गए हैं और अभी तक हमने चाय नहीं पिया है सिद्धिविनायक मंदिर में। हाँ सॉरी, सिद्धिविनायक मंदिर में दर्शन करने में जो रहता है ना रूल है, जो दर्शन करने का वो है कि आप बृहस्पतिवार के दिन जो है बुकिंग करो टिकट की, तो आपको टाइम वाइज वहाँ पर जो है टिकट मिलेगा कि आप इतने टाइम से इतने टाइम तक आओ और दर्शन कर लो। तो बस हमें टाइम मिला है 10 से 11 का और हमें चलना है और 8:30 हो रहे हैं, तो अब हम चलते हैं, जल्दी से चाय पी लेते हैं, उसके बाद फिर हम चलते हैं। और मैं सुबह के आज 6:40 पर उठ गई थी, वैसे मैं उठती नहीं हूँ 6 बजे, मैं सच में सुबह के 6 बजे, मतलब सुबह के 6, रात के 1 बजे सोने के बाद सुबह 6 बजे मुझसे नहीं उठा जाता है, लेकिन आज हम सुबह सुबह उठे हैं और सब नहा धो लिए हैं, मम्मी भी अभी नहा के आई हैं, थोड़ा लेट हो गए हैं हम, हमें 8:30 बजे तक अपने रूम के बाहर हो जाना चाहिए था, गेट के बाहर सॉरी, लेकिन हम नहीं हुए हैं, बट इतना भी लेट नहीं हुआ है, कोशिश करेंगे टाइमली पहुँचने की और आप सभी के साथ अच्छे अच्छे वीडियो शेयर करने की। वैसे मैं आप सभी को बता दूँ कि बचपन से मेरी मतलब ख्वाहिश थी ऐसी कि मैं वहाँ जाऊँ, मैं अभी तक सिद्धिविनायक कभी नहीं गई हूँ, तो मैं बचपन से सोच रही थी कि मैं वहाँ जाऊँ, दर्शन करूँ, लेकिन समय नहीं हो पा रहा था, या फिर मतलब आते थे हर जगह चले जाते थे लेकिन वहाँ नहीं जा पाते थे। तो आज मैंने सोचा कि फाइनली हमें वहाँ भी चलना चाहिए, तो बस इसीलिए हम सभी तैयार हो गए हैं। वैसे एक लोग मिसिंग है, एक लोग मतलब वहाँ नहीं जाने वाले हैं, यानी कि पापा नहीं जाएंगे हमारे साथ, और मैं, मम्मी की एक फ्रेंड है और मेरे हस्बैंड, 4 लोग हम जाएंगे। 4 टिकटें बुक हुई थी लेकिन पापा ने कहा कि हम नहीं जाएंगे, क्योंकि मतलब यहाँ नौकरी की बात है ना, नौकरी में इतनी छुट्टी मिलती नहीं है, तो बस इसीलिए। तो चलिए ब्लॉग तो स्टार्ट कर ही दिया है, देखते हैं आगे क्या होने वाला है। हाँ, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। जो यहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं या किसी कारणवश नहीं पहुँच पा रहे हैं, वो ऐसे भी दर्शन कर सकते हैं, वीडियो के थ्रू भी दर्शन कर सकते हैं, ऐसा मैं सोचती हूँ कि शायद हो सकता है उनके लिए भी हेल्पफुल। तो अगर वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को भी शुरू करते हैं। सो फैमिली, हम लोग पहुंच गए हैं स्टेशन और हम यहां से लेंगे लोकल ट्रेन दादर तक की, क्योंकि सिद्धिविनायक मंदिर आप सभी को बता दूं कि दादर में है। और सबसे मुश्किल होता है लोकल में मॉर्निंग में सफ़र करना, क्योंकि ये जो है टाइम होता है ना कि ऑफिस लाइन के जितने भी लोग होते हैं, मतलब जिनकी जॉब होती है या फिर ऐसे भी जिनकी रोज़मर्रा भी है, वो जो है बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है, पब्लिक बहुत ही ज़्यादा लोकल में इस टाइम और शाम के टाइम में सफ़र करती है। दोपहर में आप आओगे ना फिर भी खाली मिलेगा आपको, लेकिन अगर आप मॉर्निंग और इवनिंग में आ रहे हो तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है लोकल में, तो बस इसी वजह से मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और फिर हम पहुंच गए हैं दादर, यहाँ पर आप सभी देख सकते हो, और जो भी आना चाहता है, जिन्हें नहीं पता है या फिर मतलब जो भी हो, वो इस वीडियो को देखकर ऑफकोर्स उनको थोड़ा बहुत तो मतलब आइडिया लग ही जाएगा कि कैसे करना है। तो हमें पहले दादर तक लोकल ट्रेन से आना है, फिर हमें वहाँ स्टेशन से बाहर निकल जाना है, बाहर निकलने के बाद हमें जो है हम मतलब ऐसे गली है उस गली से चलना है, और आप सभी देख सकते हो बसों के बाहर कितनी लाइन लगी हुई है। मैंने कहा ना कि ये ऑफिस टाइम है, ऑफिस टाइम में जो है बहुत ही पब्लिक होती है। और मुझे यहाँ पर एक चीज़ दिख गया, पान का मतलब पूरा वो दिख गया मुझे, बहुत अच्छा लगा, गांव वाले ये याद आ गई मुझको गाँव की। तो यहाँ पर हमने कर लिया है एक टैक्सी
जिससे हम सिद्धि विनायक मंदिर तक पहुंच सकें। और आपको स्टेशन से उतरने के बाद एक टैक्सी करनी है और उनसे बोलना है सिद्धि विनायक मंदिर, वो आपको सिद्धि विनायक मंदिर के बाहर जस्ट बाहर छोड़ देंगे और आप इजीली वहां पर पहुंच सकते हो। तो बस इतना ही है वहां जाने का रास्ता। तो चलिए अब मैं यहाँ पर अपनी वॉइस कर देती हूँ म्यूट और आप सभी वीडियो को एंजॉय कीजिए। सो फैमिली, फाइनली हम पहुंच गए इतनी देर इंतज़ार करने के बाद अपनी मंजिल तक, यानी कि मंदिर तक हम पहुंच गए हैं। और यहाँ पर जो है स्लीपर रखने का जो है काउंटर बना हुआ है, यहाँ पर आप अपने स्लीपर रख सकते हो। अब आप सोचोगे कि हाथ से रख रहे हो और फिर दर्शन करने जाओगे, तो डोंट वरी, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि हाथ से रखना होगा या फिर कैसे जाएंगे दर्शन करने, तो यहाँ पर पानी का भी मतलब मैनेजमेंट है। आप वहाँ पर जाकर अपने हाथ पैर धुल सकते हो, फेस धुलना है तो फेस भी धुल सकते हो, मतलब आप अच्छे से पवित्र होकर मंदिर के अंदर जा सकते हो। यहाँ कोने में ही सब जो है लाइन लगाए हुए हैं ना, यहीं पर जो है पानी का मैनेजमेंट है। एक टोटी लगी हुई है, यहाँ पर टोटी ही बोलते हैं या नल नहीं बोलते हैं, तो बस वही है। तो यहाँ पर सब अपने हाथ पैर धुल लिए हैं और अब हम मंदिर में एंटर करेंगे। तो एक बार मेरे साथ आप सभी भी बोलिए गणपति बप्पा की जय। और आप सभी को एक बात बता दूं कि आप अगर यहाँ पर दर्शन करने आने वाले हो इस वीडियो के बाद, या फिर मतलब आप जानना चाहते हो कि कैसे दर्शन करें, तो आपको आने से पहले बृहस्पतिवार को अपना बुकिंग कराना होगा। एंड डोंट वरी, एक्सपेंसिव बिल्कुल भी नहीं है, मतलब पैसे नहीं लगने वाले हैं टिकट के लिए। आपको बस अपने फ़ोन से वहाँ पर बुकिंग करना है, आपको डेट मिल जाएगा, कौन सा डेट चूज़ करना है आपको, मंडे कर रहे हो, संडे कर रहे हो, लेकिन मेरे ख्याल से ना संडे नहीं करना चाहिए जो दूर के लोग हैं, क्योंकि अगर आप संडे को दर्शन करते हो ना, तो आपका 4 से 5 घंटे आराम से निकल जाएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहे। तो अच्छा होगा कि हम मंडे से लेकर सैटरडे में, हमारे पास जब भी टाइम हो आप सभी के पास, तो आप चालू डे में आकर यहाँ पर आराम से दर्शन भी कर सकते हो और मन को शांति भी मिलेगी। सो दोस्तों, वीडियो लंबा ना हो, व्लॉग लंबा ना हो, इसलिए मैं इस व्लॉग का करती हूँ यहीं पर एंड, क्योंकि लेंथी हो जाता है तो आप सभी देखते नहीं हैं। तो अब मैं आप सभी से लेती हूँ इजाज़त, अब मैं आप सभी को मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। एंड हाँ, इस वीडियो का सेकेंड पार्ट भी ज़रूर आएगा, तो आप सभी ज़रूर देखिएगा।